क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सरसाइज 2.2 का, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है, हम सभी को पता होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड आपस में क्या हो, इक्वल, और थर्ड साइड क्या हो, डिफरेंट, उसको आइसोस्केलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे आइसोस्केलेस ट्राइंगल का बेस दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे हम बनाते हैं। ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल, लेट सपोज हमारे पास आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसकी ये टू साइड क्या है, सेम है, और ये बेस दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राइंगल को नेम दे देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन में आगे बोला है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। अब हमें पता है यहाँ पे क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है, बट एक्चुअल में अगर हम यहाँ से निकालें इसका पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, और ये कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, 4 2/15 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। हमें इन दोनों की साइड्स निकालनी है, ये दोनों साइड्स निकालनी है, तो हमें नहीं पता है इसको, तो एक्स मान लेते हैं। लेट आइदर साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर एक्स, या ट्राइंगल आइदर साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज एक्स सेंटीमीटर। ये हमने एज्यूम कर लिया, तो ये एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना दे रखा है, 4 2/15 इक्वल टू ए बी कितना है, एक्स, प्लस बी सी कितना है, 4/3 प्लस ए सी कितना है, एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमारी एक्स ही क्या है, आइदर साइड से। तो कैसे करेंगे, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 कितना होता है, 62/15 एक्स प्लस एक्स 2x लाइक टर्म्स है 4/3। तो यहाँ से x वाली वैल्यू को होल्ड कर लेंगे राइट साइड में, 4/3 प्लस में इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 15 15 1 जा 15 62, 3 5 जा 15 5 4 जा 20। तो यहाँ से 62 माइनस 20 करो तो 52 और 42 कैंसिल हो रहा है, तो कर दो, 4 और 2 6 हो रहा है कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं 3 से काट रहा हूँ, 3 5 जा 15 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो यहाँ से हमारे पास 2x की वैल्यू आ रही है 14/5। अब क्या करेंगे, x को होल्ड कर लेंगे, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, फिर कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 7 7/5, और यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। तो आइदर साइड्स जो होगी ट्राइंगल की वो क्या होगी, 7.5 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर्स का सम कितना दे रखा है, 95 दे रखा है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से क्या है, 15 एक्सीड्स है, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है 15, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को x एज्यूम करना पड़ेगा, और दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x प्लस 15, क्योंकि ये एग्जिट से दूसरे नंबर से 15, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे और इक्वल रख देंगे 95। तो हम एज्यूम करते हैं, लेट वन नंबर इज x, देन अनादर क्या हो जाएगा, अनादर नंबर क्या हो जाएगा,
अनदर नंबर हो जाएगा एक्स प्लस 15। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 95। तो एक तो x प्लस, एक क्या हमारे पास x प्लस 15, इन दोनों का सम कितना है 95 दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं x के लिए और हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन किया, एज इट इज़ ये 95। सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स को, x प्लस एक्स 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। तो 2x को होल्ड किया, प्लस का 15 है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। तो x को होल्ड करते हैं, 2 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 को 2 से डिवाइड करोगे तो 40। और यूनिट कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो एज इट इज़ तो x हमारे पास 40 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को राइट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है हमारे पास x, तो x की जगह पे क्या रख देंगे 40। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड नंबर हो जाएगा x इट बाय 15। तो x प्लस 15 यानी कि 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 4 5। तो एक नंबर तो है हमारे पास 40 और दूसरा नंबर हो जाएगा 55। आप चाहो तो यहाँ पे 1 और अनदर नंबर करने की जगह फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर भी कर सकते हो, एज यू चॉइस, नोट कर लूँ।